नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर। 15वीं राजस्थान विधानसभा के सातवें सत्र का दूसरा चरण, विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए, शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई थी जहां स्पीकर के वेल के पास आकर के पर्चे भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लहराए और उससे पहले यानी कि आपको तस्वीरें जब समय की दिखाई थी जब बाहर विधानसभा के चहलकदमी जारी थी, प्रतिक्रियाएं वहां पर दी जा रही थी, स्पीकर के कक्ष में पहुंचकर भी सत्रावसान में प्रश्नों का जो कोटा है वो पूरा होने को लेकर भी विधायकों ने प्रदर्शन किया और जैसे ही ये सत्र कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद में हंगामा चलता रहा। अंततः इसे कल तक के लिए स्थगित किया गया है। पूरी जानकारी के साथ और आगे क्या स्थितियां बन सकती है इसके अपडेट के साथ, खबर की जानकारी के साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, शुरुआती हंगामे के साथ हुई और जिस तरह से कोशिश पहले की गई हालांकि शांत करने की, लेकिन हंगामा इतना बरपा, कल तक के लिए स्थगित हो गई है सदन की कार्यवाही। तो देखिए, 15वीं राजस्थान विधानसभा के सातवें सत्र का दूसरा चरण और विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आक्रामक मोड में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही थी। इसको लेकर पहले ही सरकार को घेरने की कोशिश से जुड़े हुए मुद्दे उनके पास में थे। जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, देखिए जिस तरह से सदन की कार्यवाही शुरू ही हंगामे के साथ में हुई और अब हंगामे को देखते हुए इसे कल तक के लिए स्थगित किया गया है, क्या जानकारी और क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने अब थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आज जो विधानसभा की कार्रवाई है वो पूरी तरह से हंगामेदार रही और इसमें कुछ निकला नहीं है। कहे कि आज का जो दिन है उस पर कुछ ऐसा नहीं निकला जो जनता के काम का हो, जिसमें सरकार ने कुछ कह सकते हैं, विपक्ष दोनों को मिलने के कोई जनता के लिए कोई ऐसा फैसला किया हो, क्योंकि आज पूरी तरह से सदन में हंगामा रहा। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद से लेके अब जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है कल तक के लिए, आज दो बार सदन को स्थगित करना पड़ा, पहले आधे घंटे के लिए फिर 5 मिनट के लिए। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। अब BSC की मीटिंग होगी कुछ देर बाद विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी की अध्यक्षता में, तब आगे किस तरह से सरकार सदन को चलाना चाहती है, किस तरह से उनका बिजनेस रहता है सदन को लेके, वो तय होगा। लेकिन जिस तरह से आज विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए हैं, जिस तरह से लगातार हंगामा रहा है और करीब हम कहें कि 11 बजे से लेके और अब चूंकि 12 बजने का वक्त करीब है, तो करीब 1 घंटे में पूरे समय हंगामा रहा और विपक्ष ने स्पीकर पे हमला किया, विपक्ष ने सत्ता पक्ष पे हमला किया और ये आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो संवैधानिक अधिकार विधायकों को मिले हुए हैं उनको छीना जा रहा है। अब एक एक करके जो विधायक है वो विधानसभा से निकल रहे हैं और अभी भी हालांकि कुछ जो विधायक है उनकी अपनी जो है वो रणनीति रहेगी, रणनीति वो बनाएंगे। कुछ जो विधायक है वो अलग अलग तरीके से यहाँ प्रदर्शन करने यहाँ पे आए, वो तस्वीरें भी आपको एक बार दिखा देते हैं। लंपी वायरस को लेके लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पे किया जा रहा है, वो देख सकते हैं। गौ माता करे पुकार, हमें बचा लो है सरकार, महिला विधायक है RLP की जो इस मुद्दे को उठा के आई है जी। किस तरह से गौ माता के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, हम हिंदू है तो हिंदू का धर्म होता है कि गौ माता को बचाए, तो आज चाहे कोई भी हिंदू हो गौ माता की सोगन भी लागे, कि हिंदू का धर्म है कि गौ माता की सोगन लगा देना कोई बाद में काम बोले तो गौ। तो देखिए, कल तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। 15वीं राजस्थान विधानसभा के सातवें सत्र का ये दूसरा चरण था, विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित। लेकिन सवाल यही उठता है क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर प्रदेश प्रभारी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्होंने एक मंत्र दिया था कि हर तरह से आक्रामक मोड़ भी सड़क पर भी और सदन में भी नजर आए और ऐसा ही हंगामा आज वहां नजर आया। लेकिन विधानसभा